हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर। और मेरा नाम है अली। और आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा ट्रेंडिंग एडिट्स, हाल ही में मैं करी थी पाकिस्तानी ड्रामा 20 एडिट्स। इसके एक अंदर मोहब्बत, दुख, थप्पड़, प्यार, मोहब्बत सब मिलेगा आपको। तरह जो ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं ड्रामे, एक तरह से उनकी एडिट है। इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंडिंग रील होती है, अकाउंट भले कोई भी हो पर जो ट्रेंड करती है हम वो उठा लेते हैं और फिर जो आपको एक्सप्लोर दिखा में देते हैं। नजर आती है, रील फीड में नजर आती है ऐसा। हाँ, तो स्पेशली इसमें भी खास ड्रामा नहीं होगा, जो हमको दिखता है हम उठा लेता है। सो 3, 2 एंड स्टार्ट। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं। दिन ब दिन इसका पागलपन तो बढ़ता जा रहा है। सोनम तो ये एकदम सेटअप क्या दीवानी हुआ? है। अरे माय बेस्टी ट्रस्ट हर एक्स अगेन। बेस्टी नहीं, माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी अंधी है। खुदा के लिए बाहर निकले, सॉरी। थोड़ी सी अंधी है। मम्मी चले बेटा, बगैर मिले कैसे चले जाए? असल में ये बहुत शाये है, इसको अच्छा नहीं लगता कि हम घर घर जाकर लड़कियां देखें। घर में जाकर लड़कियां देखें, ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, घर में जाके देखेंगे लड़कियां। घर घर जाके ऐसी ही लड़की सुनना अजीब लग रहा है एक तरह से। मम्मी चल चल। अरे बेटा, मैं तो रिश्ता थोड़ी दे रही हूँ, दे तो दिया, बात ही तो कर रही हूँ, दे तो दिया रिश्ता। घर वाले प्रॉपर्टी के झगड़े में बिजी हैं और हम कजन अपनी मौज में। चलो जी, घर का बड़ा। हानिया जी, दिल टूटा कभी? हाँ। तो कैसे हैंडल करती हैं? कुछ नहीं, दुख होता है और क्या होता है। तोड़ा यार दिल? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, कोई ऐसी चीज कर देता है जो आपने नहीं सोची होती कि वो करेगा। ओहो जी, बड़ा शौक लगा, दिल में थोड़ी सी दर्द, 10-1 दिन आप बैठे रोए। यानी कि दिल के दर्द की आप इज्जत करने लगी हैं आप? जो दुख 10 साल पहले हुआ या 5 साल पहले हुआ है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसकी सिर्फ इतनी इम्पोर्टेंस है कि उसका कहीं ना कहीं हाथ है मुझे स्ट्रॉन्ग करने में। मतलब सही है, तो वो जब दुख आता है तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि सोचना चाहिए कि भाई इसको कैसे क्रॉस करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, इससे गुजरना है ताकि हम स्ट्रांग हो जाए थोड़ा सा। थोड़ा भाई यार पता लगाना पड़ेगा इस बंदे का। दिल तो तोड़ चुकी है, दुनिया की हर चीज तोड़ोगी क्या? हर जगह दिल टूट रहे हैं यार। मुझसे ज्यादा उलझने की जरूरत है, तोड़ना बहरा हो गया मैं। अभी बोला दिल तोड़ चुकी है, नाम आ रहा है इसका, मतलब ये नहीं कि हर वक्त जबान का हारा चलाती। मेरे दिल का ये छोटा मोटा हक मार, नहीं कर लो, हमारी पतली से दूर चली कर लो, नहीं देखा मैं। पीछे पीछे आ तेरे झक मार, लो दोबारा देखो हसीना 420। तुम एक काम करो, अपनी शक्ल लेके ना सर्कस चले जाओ, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, सारा मसला हल हो जाएगा। आई लव यू अहमद। क्या है, एक्टिंग भी करनी नहीं आती, शर्म करो थोड़ी। ये भी नहीं बोला जाता तुमसे, करने की जरूरत नहीं मुझे। अच्छी खासी तुम लोगों से जान छुट्टी थी। मेरे को शौक नहीं तुम जैसे लोगों के साथ रहने का, पीछे बैठो तुम। ओ मिस्टर परफेक्ट, शक्ल देखी तुमने अपनी, ड्राइवर लगते हो। इस ड्राइवर पे ना मोहल्ले की लड़कियां मरती सारी। लड़कियां नहीं, मक्खियां मरती, करेक्ट कर दो। मरना चाहिए सर खा के। अच्छा, कुछ महीने पहले तो मुझ पे वाकई मर रहे थे तुम। बेवकूफी थी मेरी। लड़ लेंगे यार हालातों से, तू साथ रहना बस। दिन अच्छे बुरे आएंगे तो हाथ थामे रखना बस। सही बात है। एक जिंदगी मिली है जो तेरे साथ जीनी है, मैं पीछे नहीं हटूंगा कभी, तू भरोसा रखना बस। पीछे पड़ा होता ना तो तुम्हारे पीछे ना बैठा होता। वो तो लोगों का डर है कि कहीं पकड़े ना जाओ। अच्छा ऐसा लगता है ना तो मैं चला जाता हूँ। घर 1:30 बजे वाली गाड़ी पिंडी जाने की तैयार है, आ जाओ। तुम्हारी किस्मत ना शायद बहुत बुरी, सिर्फ 30 मिनट के फर्क से जीत गई। यार ये गलत हो गया, पिंडी चला गया यार, खूबसूरत लड़की। मैंने ऐसी हानिया के नाचो भाई। थोड़ा सा शर्मा लो, वैसे तुम्हें शादी करने का शौक है, ट्रेडिशन निभाने का तुम्हें शौक है, लेकिन ये तुम भूल गई। मैं क्यों शर्माऊंगी तुमसे?
तक तुम शर्माओगे नहीं थी ना पहले। मैं दिखाई कैसे दूंगा तुम्हारे? एक काम करो, ये घूंघट ओढ़ो, मैं घूंघट उठाऊंगा, फिर मैं तुम्हारी मुंह दिखाई दूंगा। अरे मुंह दिखाई दे दो, मैं बाद में शर्मा दूंगी। नहीं मानोगे? अच्छा मुंह दिखाई दो, मैं बाद में शर्मा जाऊंगी। अब तो शर्मा दो प्लीज। मैं सारी रात सड़ पे रहूंगा तो क्या साथ रहोगी? मैं डायलॉग यार, कसम ऐसे बोलने वाली एक चाहिए बस, साथ दे मतलब बुरे वक्त में भी, सड़कों पे भी घूमेगी। देखना खूबसूरत हो कि मुझसे ज्यादा। भला आपका और मेरा क्या मवाज है? ये तो मैं मुहस नबी की बीवी हूँ, और आप महज एक दोस्त। मोहब्बत करता था मुझसे, कहते थे इसको कहते हैं अपनी इज्जत बरकरार। अब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैच्योर हो चुके हैं आप लोग, आगे बढ़िए, कुछ और सोचिए। खत मेरा हो लड़की मिसेस नौशेरवानी मुहस नबी। जला दिया भाई। एक तो ये बिना रोए एग्रीमेंट कैसे करते हैं, ये सब काम मुझे करूं पहले कोई। मान के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा। टिक के खड़ी रहना, दम पड़ना मैंने। कोई फायदा नहीं। क्यों? मोहित का जादू मटे दम तक उतरेगा। सॉरी अगर मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं ये शादी नहीं कर सकता तो शादी करोगे मुस्तफा? चलो एक ने मना करा, दूसरा तैयार है एक ही घर के अंदर। देख ले होता है, होता है ऐसा। मुझे भूख नहीं। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? चॉकलेट आइसक्रीम, बन कबाब, पानी पूरी, चना चाट, चाइनीज, बताओ। आप तो बिल्कुल वेटर की तरह पूछ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ जिस पे तुम्हारी आंखें चमकेंगी वो मंगवा लो। When your wife and your mom are bestie। हाँ भाई, हमने साल बहुत तो कुछ और देखी है। लड़ती हुई दादा नाम ही जो है सबसे ज्यादा फेमस है। सास और बहू सामने उसी बनते और नहीं तो मोहब्बत पहली बार देख रहा हूँ। शादी के बाद दामाद पहली दफा घर आया और आप इसके साथ बातों में लगे हुए हैं। तो कौन सा आखिरी दफा आया है, आगे भी आएगा? आप थोड़ी कंपनी देना उसको। मैं आ रहा था बस अभी बात। इसकी तो फजूल बातें कभी खत्म नहीं होंगी। इज्जत नहीं इस घर कोई वैल्यू नहीं। शादी से पहले तुम्हें शादी के बाद। तेरा कमरा तो देखो जैसे कुछ पेज पास तो नहीं है। ऐसा ही होता है वाकई, शादी के बाद भी इज्जत नहीं और शादी से पहले भी इज्जत नहीं थी। ऐसा क्यों? लड़कों के साथ होता ज्यादा कर तो ऐसा तो यार है? नहीं नहीं ये घर की बेटी के साथ होता है दूसरे नंबर, ये तब से तीसरे नंबर। ऐसा तो मेरे को तो नहीं लगा यार, जो बिल्कुल काम चोर है। हाँ उसके साथ हो लड़कों के साथ, तो लड़कों के साथ दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे उनके साथ जाता है। पहले नंबर वाले के साथ भी है, लड़का तो लड़का है। पहले नंबर वाला गायब हो जाए ना रात में नहीं आया, पता लगा दूसरे नंबर वाला होगा ही किसी के घर। होगा किसी के घर ही है। मतलब पहली जो होती है मतलब वो पहले की इज्जत है, इज्जत है ज्यादा, और सबसे आखिरी वाली। मैंने सुना भी है जो पहला होता है ना वो सोची समझे समझ के होता है, तो दूसरा होता है तीसरा होता है वो सच समझ के नहीं होता। ये मैंने कबर ये गाली डीप बात बोल दी, मिडिल क्लास को गाली दी किसी फिल्म के अंदर डायलॉग था ये। तो सही एक डायलॉग है, तीसरा होता है नजर होता वो हो गया बस हो गया, कुछ बेचारे का कोई फीचर नहीं था। आ गया आ गया यार, इतने बच्चे फिर करने ही नहीं चाहिए। पर इसमें एक ड्रामा हमने बिल्कुल नहीं देखा और बहुत प्यारा है, जो एलेजा का था। एलेजा का और वो जो वो था क्या नाम है इसकी बेस्टी जो शर्माती है गिफ्ट देने पे, क्या नाम है? कुबरा खान। वो भी नहीं देखा अपन ने बात। नहीं वो भी नहीं देखा। ये दोनों ड्रामों का अगर आप नाम बता दें तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। नहीं देखा हुआ देखा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने देखा हुआ। पर साइड एक्टर आते हैं ज्यादा क्या है? नहीं असल में ये दूसरी चैनल पे काम करता है एक्सप्रेस, ये अपन ज्यादा यार देखते हैं। अच्छा जियो कम देखते हैं हम, देखते हैं नहीं तो ड्रामे भाई एक चैनल पे 15-15 ड्रामे चल रहे हैं, तू कौन से 15 देख रहा है? बाकी आप जरूर बताना अगर रिएक्शन अच्छा लगे, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में इनके नाम भी बता देना जो ड्रामे हमने बताया, जो ड्रामे बताया लेजा वाला और कुबरा खान वाला। बाकी आप मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड।